अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ोहैब तीक साद वकार रियल उस्ताद की एक नई एपिसोड के साथ। इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने ये कोशिश की है कि जीटी रोड रावलपिंडी के ऊपर जितने भी मॉल्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम डीएचए फेज़ वन अप टिल रवालपिंडी चौक, उनको हमने कवर किया है। वीडियो के स्टार्ट में ही आपको नज़र आ जाएगा। जो पर्पज़ है हमारी इस वीडियो का, वो सिर्फ आप लोगों को ये चीज़ गाइड करना है कि आपको क्या चीज़ प्रेफरेंस में रखनी चाहिए या क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके माइंड में पहली होनी चाहिए, फिर आप जो है वो इन मॉल्स की तरफ अप्रोच करें और इन मॉल्स में आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें। इसी जीटी रोड के ऊपर बहुत सारे ऐसे मॉल्स हैं जो कि फिनिश फॉर्म के अंदर होंगे, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हो गया है, अमेजॉन मॉल हो गया है, इस टाइम पे ये ऑलमोस्ट ऑपरेशनल हैं। कुछ ऐसे मॉल्स हैं जो कि अभी उनकी बिल्डिंग्स जो हैं वो बनी हुई हैं, जैसे कि डी मॉल है, इमारत मॉल है, उनकी बिल्डिंग्स जो हैं वो बने हुए हैं, पैराडाइज है बहरिया, उसकी बिल्डिंग जो है वो बनी हुई है, कुछ जो है वो बिल्कुल एक स्टार्टिंग फेजेस के अंदर हैं। तो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपने अपने माइंड में रखनी है इन प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले, तो आइए जानते हैं साद भाई से। साद भाई, सबसे पहले आप ये बताएं, सबसे पहले आप जीटी रोड के हवाले से बताएं कि जीटी रोड पे जो एक्सपेंशन है और जो ट्रैफिक की सिचुएशन है उसके बारे में थोड़ा सा गाइड करते हुए फिर आप मॉल्स के ऊपर आएँ। जी साद भाई, देखिए ज़ोहैब भाई, जब हम कभी जीटी रोड को अगर हम देख रहे हैं तो जीटी रोड के ऊपर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जीटी रोड पे और क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। जीटी रोड के ऊपर स्कूल्स हैं, मार्किज़ हैं, उसके ऊपर गाड़ियों के शोरूम्स हैं, उसके अलावा बहुत स्पेसिफिक बिजनेस के मॉल्स हैं, जैसे बिल्डर्स मॉल्स बहुत सारे हैं, एक एक बंदा ओन करता है और छोटा बिजनेस हो रहा है उसके अंदर, लेकिन ये भी बहुत बड़ी एक्टिविटीज़ हैं। फिर बेशुमार हाउसिंग सोसाइटीज़ इसके ऊपर फॉल कर रही हैं, जैसे डीएचएस इसके ऊपर फॉल कर रहे हैं, गुलरेज इसके ऊपर फॉल कर रहा है, बहरिया टाउन्स पे आ रहा है, जराज आ रहा है, आ रहा है, तो बेशुमार सोसाइटीज़ इसके ऊपर, और ये मैंने बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ के नाम लिए, छोटी छोटी और भी आ रही हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बिजनेस एक्टिविटी है इसके ऊपर। अपने एक्सपेंशन के बाद अभी भी जीटी रोड के ऊपर कई बार ऐसा टाइम आता है कि वो बेतहा ब्लॉक्ड रहती है और फंसी भी रहती है। अच्छा, एक चीज़ जो हम लोग एक्सेस कर रहे थे इसके अंदर कि इतने सारे मॉल्स तकरीबन इस टाइम के ऊपर 10 से 12 तो आप आराम से जाके गिन सकते हैं, उसमें कुछ बने हुए हैं, कुछ बन रहे हैं और कुछ के स्ट्रक्चर जो हैं वो खड़े हुए हैं। इसका मतलब ये है कि मार्केट में हैवी कंपटीशन आने वाला है आइंदा आने वाले दिनों के अंदर मॉल से रिलेटेड। तो वो क्या चीज़ें हैं कि एक इन्वेस्टर को इस टाइम पे देखना चाहिए कि वो उस मॉल की तरफ जाए या उस कमर्शियल एक्टिविटी की तरफ जाए जो कि उसको फ्यूचर के अंदर बेनिफिट करे, तो वो ऐसे क्या पॉइंट्स हैं जो उनको देखने चाहिए? गालिबन हम जो डिस्कस कर रहे थे, सबसे पहली चीज़ पार्किंग के हवाले से। नहीं, हम देखें पार्किंग के हवाले से इसको नहीं देखते। हम कभी भी अगर एक मॉल को देख रहे हैं तो हमें सबसे पहले उसके अंदर ये देखना है कि उसके इर्द गिर्द पॉपुलेशन कितनी है, और डेफिनेटली डीएचए, बहरिया और भी बेशुमार सोसाइटी से इसके मॉल्स के इर्द गिर्द पॉपुलेशन है। फिर हम उसके हवाले से ये भी देखते हैं कि मॉल केटर किस सोसाइटी को कर रहा है। जी, मॉल केटर कर रहा है रवाद को और रावलपिंडी शहर को, क्योंकि इस्लामाबाद के पास अपने दो बड़े मॉल्स हैं। Yes. फिर रावलपिंडी से भी जो लोग अप्रोच करते हैं मॉल्स की तरफ किसी भी एक्टिविटी के लिए या डे टू डे आने के लिए या किसी इवेंट के ऊपर आने के लिए, तो वो भी रावलपिंडी से इस तरफ फॉल करेंगे। तो हम अगर इस एतबार से देखें तो वो मॉल जो उनके सबसे करीब होगा वो सबसे पहले उसके ऊपर जाएंगे। अच्छा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर के हवाले से बताएं कि मॉल का स्ट्रक्चर जो है वो कितना फैसिलिटेट करता है इन चीज़ों के अंदर कि उसमें फुटस्टेप का नंबर जो है वो ज़्यादा बढ़े। जी डेफिनेटली, अगर मॉल मैसिव होगा, बहुत बड़ा मॉल होगा, तो ज़्यादातर लोग उसमें जाएंगे, उसमें ज़्यादा, जैसे रिलेटिवली ये ना हो कि उसमें एक सफोकेशन फील हो रही हो, मॉल छोटा है या कुछ इस तरीके से। मैं इसका बड़ा फेयर एग्जांपल देता हूँ, इस्लामाबाद में दो मॉल्स हैं, सफा गोल्ड मॉल और सेंटोरस मॉल। डेफिनेटली सफा गोल्ड मॉल के अंदर फुटफॉल कम है और सेंटोरस मॉल के अंदर बहुत ज़्यादा फुटफॉल है। उसके क्या रीजंस हैं? सफा गोल्ड मॉल छोटा है, वो जिस रोड के ऊपर लोकेटेड है उसकी ऑलमोस्ट वन एंट्रेंस है, और इट इज़ वो है तो ऑल साइड ओपन, लेकिन फिर भी जरा इट इज़ रिलेटिवली कंजेस्टेड। मैं ये नहीं कह रहा, पार्किंग का भी बड़ा इशू है बहुत सफा गोल्ड मॉल, पार्किंग इज अ वेरी बिग पॉइंट। आपने जिस भी मॉल के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, सबसे पहली चीज उसकी पार्किंग को आपने मद्देनजर रखना है, क्योंकि टाइम के साथ लोग बढ़ रहे हैं, ट्रैफिक बढ़ रहा है। पार्किंग भी दो में डिवाइड होती है, एक जो उसकी बेसमेंट वाली पार्किंग होती है और एक जो आउटर पार्किंग होती है। लोग जो है वो आउटर पार्किंग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू बेसमेंट पार्किंग। तो ये चीज़ें आपने अपने माइंड के अंदर रखनी है। उसके अलावा साथ में ये बताएं कि स्ट्रक्चर या साइज ऑफ मॉल कितना मैटर करता है इस साइज मॉल, जिसे मैंने अपने ये सवाल पहले भी हो गया, साइज बहुत मैटर करता है। जितना साइज यहाँ मॉल में ज़्यादा होगा, ब्रांड्स उतने आएंगे, लोग कंफर्टेबली, उतना फुटफॉल होगा मॉल के अंदर, और डेफिनेटली जितना मैसिव लग रहा होगा, हर किसी को ज़्यादा बड़ी चीज़ बहुत बेहतर लग रही होती है, तो आप उसमें जाना पसंद करेंगे। उसके अलावा ब्रांड्स के हवाले से बताएं कि
एक जीटी रोड पे छोटी सी विसिनिटी के अंदर, मैं ये कहूँगा कि 4 से 5 किलोमीटर की विसिनिटी के अंदर आपको 12-13 मॉल मिल रहे हैं, तो ब्रांड्स किस तरीके से, बड़ा ब्रांड, अच्छा ब्रांड किस तरफ जाना पसंद करेगा? देखिए, ऑलरेडी जो ब्रांड एक मॉल बड़ा एक्टिव मॉल है जीटी रोड के ऊपर, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, गीगा मॉल, तो बहुत सारे ब्रांड्स उसने ऑलरेडी अट्रैक्ट अपने अंदर कर लिए हैं। और उसके अलावा इस तरह के ब्रांड्स आपको जीटी रोड के ऊपर ओपन भी मिल जाते हैं। उसके अलावा भैरिया डीएचए और डिफरेंट सोसाइटीज के अंदर ये आपको ब्रांड्स उनके अपने कमर्शियल्स के अंदर भी मिलते हैं। तो बहुत एक कम वेसिनिटी के अंदर बहुत सारी ब्रांड्स ऑलरेडी अकोमोडेटेड हैं, एडजस्टेड हैं। वो मॉल जो कुछ नया लेकर आ रहा है, या जिसके पास पार्किंग है, या जो बहुत मेगा स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा है, या जिसकी एंट्री एग्जिट्स बहुत ज्यादा है, वो नए ब्रांड्स को या पुराने ब्रांड्स को भी कैप्चर करें। आप ये चीज इसके अंदर बताएं कि मोस्टली जो मॉल मार्केट के अंदर सेल हो रहे होते हैं वो किसी थीम के ऊपर जो है वो बिक रहे होते हैं, आप इस चीज के बारे में क्या समझते हैं कि वो मॉल ज्यादा बेहतर नहीं होगा कि जो रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों की कॉम्बिनेशन के साथ हो, वो ज्यादा बेहतर होगा, या वो ज्यादा मॉल ज्यादा बेहतर होगा जो कि टोटली एक कमर्शियल और थीम बेस्ड प्रोजेक्ट के ऊपर चल रहा हो? आपने माइंड में ये भी चीज रखनी है कि उसके सामने भी मॉल बने हुए, यानी एक विसिनिटी में बहुत सारे मॉल हैं, तो इसमें आप किसको ज्यादा वेटेज देते हैं? देखिए ज़ोहेब भाई, पाकिस्तान की आवाम रिलेटिवली मासूम है और वो बहुत छोटी छोटी अट्रैक्शंस के पीछे भागना शुरू कर जाती है और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को किसी चीज को नहीं देखती। बिल्कुल, छोटी पर्सपेक्टिव ये है कि सामने एक जंगल जैसा स्टाइल बना दिया बिल्डिंग ने, तो यार खरीदो, बहुत अच्छा स्टाइल है और बहुत अच्छा, ये बेचने के अतबार से तो बहुत अच्छा है और आप लोगों ने खरीद भी लिया होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म चलने के हिसाब से पार्किंग भी देखें, आप उसका ट्रेंड्स भी देखें, ब्रांड्स भी देखें, अपना रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू भी उस बिल्डिंग के अंदर देखें। या बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने लेकर आ गए कि जी एक्वाटिक मॉल जैसे है कि वो एक लाइफ साइज एक्वेरियम, वर्ल्ड टॉलेस्ट एक्वेरियम लेकर आ गए हैं यहाँ पे, यानी ये बेसिकली अट्रैक्शन होती है। या फिर आइस मॉल जैसे कि आइस रिंक मॉल के अंदर लेके आ गई। देखें आप मॉल के अंदर क्या चीज देखें, सबसे पहले वंस अगेन हम बार बार ये कह रहे हैं कि पार्किंग देखें, फ्रंट एलिवेशन देखें, उसकी लोकेशन देखें, उसका साइज देखें, वो शहर से या ज्यादा बड़े पॉपुलेशन के इलाके से कितना करीब है वो देखें, वो कितनी बड़ी रोड के ऊपर आ रहा है वो देखें। और उसके सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि उसमें रेजिडेंशियल का ऑप्शन है या नहीं। जी, रेजिडेंशियल का ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए गीगा मॉल अगर हम देखें तो गीगा मॉल के ऊपर कोई रेजिडेंशियल ऑप्शन नहीं है, ऊपर ऑफिसेज हैं, ऊपर क्लब है, उसके अलावा नीचे अपना जो उनका कमर्शियल एरिया है, तो उस हिसाब से गीगा मॉल पे फुटफॉल ज्यादा आनी चाहिए थी बिजनेस परस्पेक्टिव से। लेकिन जिस मॉल के अंदर रेजिडेंशियल स्पेस होगी उसका एक नेचुरल फुटफॉल भी है कि चले यार घूमने जाना है यार, नीचे ही मॉल है, चलो यार मॉल के अंदर वॉक करने जाना है यार, चलो यार लेट्स गो एंड मॉल के अंदर ही वॉक कर लें, आज कोई सामान लेना है जरूरी, मॉल के अंदर एक सुपर स्टोर है या हाइपर स्टोर है, तो चलो यार उधर ही जाके मॉल के अंदर से जाके ये एक्टिविटी कर लें। सो मॉल जिसके ऊपर रेजिडेंशियल स्पेस भी हो, I think that is very positive. तो I hope आपको इस वीडियो से जो है वो ये आइडिया हो गया होगा कि जब एक सर्टन एरिया के अंदर इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो, तो कि 10 से 12 मॉल एक टाइम पे बन रहे हों, खड़े हो रहे हों, तो आपने क्या क्या चीज़ें देखनी है अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी तरफ जा रहे हैं। जब भी कॉम्पिटिशन होता है किसी भी मार्केट के अंदर, उसमें कुछ ही विनर्स होते हैं लॉन्ग रन के अंदर, सारे के सारे कभी भी विनर नहीं होते। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट किसी ऐसी जगह नहीं कर दीजिएगा जिसमें आपको लॉन्ग टर्म के अंदर नुकसान हो। ये भी जरूर देखें कि डॉक्यूमेंट वाइज वो ओनर वो प्रोजेक्ट बहुत क्लियर हो, क्योंकि मॉल्स वाले सिलसिले में अमूमन ये हो जाता है कि, यानी मैं मॉल्स और हाउसिंग सोसाइटीज का आपको डिफरेंस बताता हूँ। मॉल अगर जो भी RDA या CDA के अप्रूवल के हिसाब से ना बन रहा हो और उसको अंदर आपने थोड़ा सा आगे कर दिया, पीछे कर दिया, तो ये भी हो सकता है कि RDA या CDA उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा दे। और जिस साइज में आपने जो चीज़ खरीदी हो, मुमकिन है कि गेटिंग ऑन इन टाइम आपको छोटा साइज मिल रहा हो, सोसाइटी या मॉल ओनर्स आपको बताएं या ना बताएं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपने अपने माइंड के अंदर रखनी है, स्पेसिफिकली रावलपिंडी GT रोड से रिलेटेड, जो आजकल बहुत सारे कस्टमर्स जो हैं वो हमसे पूछते भी रहते हैं। तो आपने ये सारी की सारी चीज़ें अपने माइंड के अंदर रखनी है, और आइंदा आने वाले दिनों के अंदर हम लोग एक मॉल कवर भी करने वाले हैं अपने चैनल के ऊपर, तो आप उसका प्रॉस्पेक्ट भी देखिएगा इंशाल्लाह, बल्कि दो कवर करेंगे। उसके अलावा उसका प्रॉस्पेक्ट भी आप देखिएगा। उसके अलावा वो मॉल्स जो गेटिंग ऑन इन टाइम चलते नहीं है या कमजोर बिजनेस हो जाता है, याद रखें कि जब उसमें ब्रांड नहीं बैठता
उसमें छोटे कोई खुस्से की शॉप वाला या कोई जो आपको सफा गोल्ड मॉल में नजर आ जाएगा, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी सफा गोल्ड मॉल में भी नजर आएगा आपको, ये कराची के पाक टावर्स में भी नजर आ जाएगा फोरम में भी नजर आ जाएगा, फोरम में भी नजर आ जाएगा कि वहाँ पे बहुत कमजोर किस्म के बिजनेस ओनर्स आके बैठ जाते हैं जो कि एक मॉल की विसिनिटी में बैठना चाहते हैं और अल्टीमेटली वो दम नहीं रहता, यानी रादर देन बिकमिंग अ गुड मॉल वो एट्रियम मॉल कराची जैसी कोई कमजोर जगह बन जाती है। तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारी वीडियोस को, और अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स के साथ आप एग्री करते हैं तो हमें कमेंट्स के अंदर बताएं, हम आपके कमेंट्स का जवाब देते हैं। थैंक यू वेरी मच, सलाम।